हम दो अच्छा लड़का है, मैं चाहती हूँ तेरा उससे ब्याह कर दे। अरे बच्चों की बीर माँ कहाँ चली जाती है ये? क्या है, क्यों शोर मचा रखा है? शोर मचा रखा है, सारा दिन आंगन में बैठी रहा करो। ये तेरे बच्चों के लिए ईदियाँ लेके आया। मेरे पर कोई एहसान नहीं है। आए, ये त्योहार तो मुसीबत बन के टूटता है मेरे ऊपर। इनको कपड़े भी खरीद के दो और नकदी की सूरत में भी ईदियाँ मांगते हैं कभी। नाजनी मेरी पसंद तेरी नजर बच्चिया। हमारे लिए क्या लेकर आए? अरे तुम्हारे लिए खालसा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अबो तुम मेरे लिए क्या लाए? अरे आराम से खड़ा हो जा, हुल्लड़ मचा दिया। तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। अरे ये तो इंग्लिश की शर्ट है। अरे वो कहाँ गया अपना, क्या नाम उसका? अबे होंगे। गुड मॉर्निंग डैड। कम हियर, हाउ आर यू? आज तो उर्दू नहीं अंग्रेजी बोल रहे हैं। ले बेटे ये तोहफा तेरे लिए, क्रिसमस में पहन लेना। बहुत ही बैकवर्ड हैं आप, ये क्या उठाना है, इसका तो फैशन ही नहीं है। तो हम ला के देंगे, वो पहनना पड़ेगा तुम्हें, समझे? इसीलिए मैं ये मुल्क छोड़ना चाहता हूँ। खाना पड़ेगा आपकी मर्जी से, पहनना पड़ेगा आपकी मर्जी से, शादी करनी पड़ेगी आपकी मर्जी से। यहाँ किसी को अपनी राय देने का इख्तियार ही नहीं। और राय के बच्चे, अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है तो तुम हो जाओ यहाँ से। इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे, समझे? लालू जी, लालू जी मेरे लिए क्या लाए? तुम्हारे लिए समझू, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अभी बहुत दिन हो, यहाँ बड़े त्योहार आएंगे, इन्हें जमा करते रहो, एक दिन अच्छे दामों पे निकल जाएंगे। दो चार खाली डिब्बे मेरे कमरे में भी पड़े हुए हैं, वो भी इनमें शामिल कर लो। कुर्ता शलवार इसके लिए भी खद्दर का ले आते? कैसी बच्चों की सी बातें करती हूँ, कहाँ से ले आता? यानी जो कुछ मेरे पास मौजूद था वो तो तेरी औलाद पे खर्च कराया हूँ। इसका और मेरा क्या है, ये जो कुछ पहन रखा है धो डालेंगे। नाजनीन सुबह जरा जल्दी तैयार हो जाना, वो ईद का दिन अंकल नूरुद्दीन के यहाँ मनाएंगे। मेहमानदारी का खर्चा भी बचेगा। सब घर से चले गए तो घर में कौन रहेगा? ये समझू किस मर्ज की दवा? और फिर ये सौगात किसी जगह ले जाने के लायक भी तो नहीं। अरे कोई पोजीशन भी तो बेटे होनी चाहिए, ये धोलिए से नलके ठीक करने वाला लगता है। वैसे पर्सनैलिटी आपकी भी कुछ कम नहीं है। मैंने मशवरा नहीं मांगा, कनपट्टी पे लगाऊंगा मैं। मामा आओ, तो आओ नीलम, इनसे मिलो। ये है शराफत मिर्जा अंसारी, लोगों के लिए बहुत बड़े कहानी नवीस और अपने बेतकल्लुफ यार। आदाब। वालेकुम आदाब। नीलम तुम भी बैठो। भाई नीलम, मिर्जा बीसियों कहानियां लिख रहे हैं, मसरूफ इतने हैं कि मरने की फुर्सत नहीं, किसी के घर तो जाते ही नहीं। ये तो मेरे मुंह को आ गए। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम पर कहानी लिखने को राजी हो गए। बोले चेहरा दिखाओ और फिर जलवा देखो। मेहरबानी। नहीं जी, ये तो मुझे चढ़ा रहे हैं, कहानी मानी तो मेरे बाप ने। मिर्जा इन्हीं बातों से तुम कई जगह से कट हुए हो। जरा नीलम के बंद कलियों जैसे हूँ, ये खूबसूरत नाक, शराब के छलकते हुए पैमानों जैसी आंखें, कांचे में ढले जिस्म को गौर से देखो और एक ऐसे शाहकार को जन्म दो कि फिल्म लगे तो सिनेमा में दंगा फसाद हो जाए। दंगा फसाद? मिर्जा आजकल एक ऐसी कहानी लिख रहे हैं कि अगर सिनेमा पे लाठी ना चले तो मेरा नाम बदल देना। तो फिर इनसे वही कहानी ले लो ना। कोशिश करूंगा, तुम जरा मिर्जा की मुट्ठी गर्म कर दो। इस वक्त तो 500 रुपए है। अरे 5,000 से कम में तो ये सलाम का जवाब नहीं देते। खैर मेरी खातिर मान जाएंगे, तुम परसों ही निकालो। ये लीजिए, हमारी तरफ से हकीर सा नजर आ रहा है वो। अरे ले लो, मेरी खातिर ले लो।
भाई नीलम, अब मैं इनके पीछे पड़कर कहानी उगलवा ही लूंगा। मिर्जा चलो। अच्छा नीलम, खुदा हाफिज। निकालो ये 100 रुपए तुम्हारी परफॉर्मेंस के और बाकी 400 रुपए मेरी काबिलियत के। यार ये मोटर में करती क्या है? हमें खाती है यानी तबाइफ में। हा? यार हम खानदानी गैरतमंद आदमी है, हम तबाइफ का माल नहीं खा सकते, पान खा सकते हैं। ये लो अपने 100 रुपए। वाह मिर्जा, अगर तुम्हारे जैसे 150 गैरतमंद और मिल जाए तो अपना गुजारा बड़ी आसानी से हो सकता है। पाओ बता। राजनी, अरे वो बच्चों की माँ, ओ ख्वाजा हनीफ कहाँ मर गए सबके सब? क्यों चिल्ला रहा, खैरियत तो है ना? जेब कट गई क्या? बकवास बंद करो। अबू आखिर हुआ क्या है? अरे बेटे, तुम्हारी बहन की मंगनी की बात करके आया हूँ, अब तुम सबके बारी न्यारे हो जाएंगे। घिसियारो, मंगनी की बात करके आए हो या सौदा करके आए हो? अबे गधे, करोड़ों पति लोग हैं वो, 2-4 हजार रुपया तो नाश्ते में खाते। आज सुना करो नहीं तो कनपट्टी पे लगाऊंगा एक। कभी मैं कह रहा हूँ वो करोड़ों पति लोग हैं। बेटे तेरा बरतानिया का आने जाने का टिकट पक्का और तेरी फिल्म बन गई बेकार हीरो। माँ, डैडी, वो अगर करोड़पति हैं तो बाहर के बैंकों में पैसा भी होगा, 2-4 हजार पाउंड मिल जाएंगे ना? अबू अबू, मैं अपनी फिल्म कलर कर देता हूँ। ज्यादा फजूल खर्ची मत करो, मुझे पाउंड्स की सब जरूरत है, अपनी पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट रहने दो। ये तो बताओ लड़का कैसा है? इन दोनों तोहफों से अच्छा है। अबा आप भी नमूना है ना। क्यों? जैसा भी है, मशरूती लड़कियाँ अपनी रेपुटेशन बरकरार रखने के लिए जिंदगी गुजारी लेती हैं। मेरे अब मेरी कलर फिल्म वो बरफुरदारो, उनको मद्दू कराया हूँ चाय पे। अब पहले अपना तारुफ करवाओगे या डीमार्ट पेश करोगे? दोनों चीजें एक साथ हो जाए तो बेहतर। मेरी किस्मत, मैं कहता हूँ इस कदर जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है भाई? सबसे पहले मंगनी का किस्सा तय हो जाए, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। चलो तुम चल के मुंह हाथ धो लो, वो आने वाले हैं लोग। चलो अब नाजनी, भी कर ले मेकअप अपने माइंड को। संतो जी खा लो। संतो बेटे, आज बेटे खालदा की मंगनी है। खालदा की मंगनी? हाँ, और उसके ससुराल वाले आ रहे हैं, तुम अपने इस घर को शीशे की तरह चमका। अरे खालू, अल्लाह खालदा की किस्मत चमका दे, घर को तो मैं भी देखो कैसे चमका देता। अभी लो। ये सब तो अपना अपना फायदा सोचते, इन्हें क्या खबर कि मैं तो किसी और से शादी करना चाह चुकी हूँ।